अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू फार्मासिस्ट लाइव। फ्रेंड, मैं आज अपने भाई को हॉस्पिटल लेकर आई हुई हूँ क्योंकि अगले दिन की सुबह हो चुकी है। मुझे घर आए हुए 2 दिन हो गए हैं, तो मेरे भाई की नज़र बहुत ज़्यादा वीक थी, तो इसको सिविल हॉस्पिटल लेकर आए हैं। और यहाँ का जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा मैनेज है। पहली दफ़ा सिविल हॉस्पिटल आके मुझे बहुत अच्छी और खुशी महसूस हो रही है कि इतना मैनेज सिस्टम और किसी किस्म की भी कोई खुआरी नहीं हुई और इतने वेल मैनेज तरीके से मेडिसिन मिली हैं। हालांकि वो मेडिसिन की इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी जो उन्होंने डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की वो मिली है और बहुत अच्छे तरीके से मिली है। और बाकी जो था, हॉस्पिटल के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है क्योंकि वहाँ पर वीडियो नहीं बनाई जा सकती, इसलिए मैं बाहर ये चेयर्स पे बैठ के जो है वो बना रही हूँ, बता रही हूँ आपको कि आप लोग भी जाएँ जब भी तो सिविल हॉस्पिटल जाएँ, सिविल हॉस्पिटल को प्रेफर करें क्योंकि इसका सिस्टम वाकई में मैनेज हो चुका है, वेल मैनेज सिस्टम हो चुका है और बहुत अच्छा हो चुका है। तो इधर मैं बैठी हुई थी, काफ़ी थक गई थी, तो मैं बाहर आके बैठ गई चेकअप कराने के बाद। तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत कैप्चर कर लेते हैं क्योंकि अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं था, तो मैंने फिर बाहर पे वीडियो बनानी शुरू कर दी। फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करके यहाँ से वापस चले गई थी अपने घर, और जहाँ पे एक और नई चीज़ मेरी मुंतज़िर थी, वो भी अभी आपको आगे पता चल जाएगा। नहीं बताना क्या हुआ है, बाल खराब हो गए मेरे। अब हम चले बाल ठीक कराने। आयशा, आयशा की वजह से खराब हुए हैं, वो देखो रख के बैठी हुई है दुपट्टा मुंह पे। आयशा यार उठ जाओ प्लीज, उठ जाओ। आयशा उठो चले। मेरी बहन के ना इस टाइम बाल खराब हो गए हैं, वो गई थी कटिंग कराने के लिए, मतलब पार्लर वाले ने बहुत ही खराब किस्म की कटिंग की है, और जो दूसरी बहन है ना उसकी वजह से खराब हुए क्योंकि उसने तो देखा ही नहीं ना कि वो कटिंग हो रही है कि नहीं हो रही। अब ये दोनों आपस में लड़ रही हैं और मैं इनका मसला सॉर्ट आउट कराने साथ पार्लर जा रही हूँ, मतलब मैं लड़ाई करने जा रही हूँ। बताओ उसने कैसे कही थी, बताना। और फिर आयशा की कटिंग खराब हो गई। तो चांद रात शुरू हो गई थी, और फिर चांद रात हो और हम बाहर लाजमी चले जाते हैं, कुछ चीज़ें भी नहीं थी, तो फिर हम लोग बाहर आ गए, चीज़ें वगैरह लेनी थी अपनी। कुछ सिल्क की पोनी है आपके पास? और ये कुछ कैचर जो है ना, छोटी चुटकियाँ टाइप्स, वो मैंने पसंद करके रखे हुए थे यहाँ पे, और यहाँ मैं पोनियाँ पसंद कर रही हूँ। और साथ साथ ये शॉप वाला भाई पता नहीं किसको क्या क्या डिस्क्रिप्शन दे रहा है, उसने भी सेल करनी थी, वो बाकी कस्टमर साथ डील कर रहा था, लेकिन मैं पूरे जोर शोर से पोनियाँ पसंद कर रही थी, जिसमें से मैंने ये पर्पल वाली पसंद करके ले ली थी। ये शॉप वाला जो है ना, ये बहुत अच्छे से डील करता है, जब भी हम इसके पास जाते हैं ना तसल्ली के साथ ये चीजें भी दिखाते हैं और अच्छे रेट्स भी देते हैं, तो ये बहुत अच्छे हैं और हम यहाँ लाजमी जाते हैं। और मार्केट के अंदर ना सबसे एंड पे है इनकी जो शॉप है ना, वो सबसे एंड पे है मार्केट में, बाजार में, चावतनी बाजार में सबसे एंड पे इनकी शॉप है। तो अगर आप भी उस एरिया के हैं तो आप भी यहाँ से शॉपिंग करें। यहाँ मेरी जो छोटी बहन है वो बाकी सबके लिए पोनियाँ वगैरह पसंद कर रही है, मम्मी के लिए और अपने लिए, खुद के लिए, जबकि मैंने तो अपने लिए पहले ही ऑलरेडी पसंद कर ली थी आते साथ ही। इनकी शॉप पे आके ना हम तसल्ली से चीज़ें लेते हैं खड़े होके, हमें कोई मतलब ये जल्दी नहीं डालते कि बस ये ना करें, ये देखें, ये ना देखें, मतलब तसल्ली से जो पसंद आता है वो लेते हैं। और फिर हमने थोड़ी सी ज्वेलरी लेनी थी, जिसमें हमने रिंग्स लेनी थी और इयररिंग्स लेने थे, तो फिर इन्होंने हमें बहुत सारी रिंग्स की वैरायटी दिखाई, और उसमें से ये मेरी बहन, ये सिस्टर जो पसंद कर रही है रिंग्स, कि उसने कौन कौन सी लेनी है।
और फिर मैं चले गए चूड़ियां लेने, मतलब मैं चूड़ियां तो शौक से नहीं पहनती लेकिन मेरी बाकी बहनें पहनती हैं, फिर हम चूड़ियों वाले के पास चले गए चूड़ियों के लिए। हाँ टाइम पे ना पीको काज ये सब रह ही जाता है, तो ये चांद रात वाले दिन भी हमारे दुपट्टे पीको करने वाला फिर एक निकल आया था, तो फिर हम दोबारा यहाँ गए पीको कराने के लिए दुपट्टे। तो ये उनकी शॉप है जहाँ पे लेस और नलकियाँ ये सब भी मिलता है, तो ये पीको भी बड़ी अच्छी करते हैं। फिर हम यहाँ आए पीको करवाने दोबारा। हम बाहर आए और शवारमे ना खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, मतलब हम शवारमे बहुत शौक से खाते हैं। और फिर हम लोगों ने जाते हुए बाजार शवारमे का ऑर्डर दे दिया था और फिर हम वापसी पे खाने लग गए। फिर उसके बाद हम सैलून चले गए, वहाँ पे मेहंदी वगैरह लगवाने लग गए, लेकिन उसको देर इतनी ज्यादा लग गई थी कि फिर मैंने अपनी मेहंदी मैंने खुद ही लगा ली। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मासिस्ट लाइफ। आज है ईद का दिन, माशाल्लाह से 30 रोजे जो है वो पूरे हो गए, 30 नहीं हो सके 29 हुए। और आप सबको मेरी तरफ से, मेरे घर वालों की तरफ से बहुत बहुत ज्यादा ईद मुबारक। और मैंने इस ईद पे मतलब चांद रात पे अपनी बहन के साथ जो किया है ना, वो भी मैं आपको बताती हूँ, मतलब दिखाऊंगी थोड़ी देर तक। उसने मुझे कहा चांद बना दो हाथ, तो मतलब मैंने तो चांद ही बनाया, लेकिन वो पता नहीं क्यों उसको ना चर्च का नाम दे रही है कि तुमने पता नहीं क्या ही बना के रख दिया, गिरजाघर और पता नहीं क्या क्या, वो उसको ना उसने ना उसको नाम दे दिया पकड़ के। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आप देखें कि वाकई वो चांद है अभी कि नहीं, मतलब मैंने तो चांद ही बनाया है, पर उसने मेरा दिमाग खराब किया हुआ है। रात से अब तक सब ने मिलकर मेरा मजाक करना शुरू किया हुआ है, तो अब मैं और भी दिखाऊंगी आपको। और अभी तैयार होते हैं, तैयार होके आपसे मिलते हैं। ये हमारे घर के पीछे ना एक छोटा सा पार्क है, छोटा सा नहीं है बड़ा पार्क है, तो हम वहाँ आ गए थे अपना फोटो शूट कराने के लिए। अच्छी अच्छी पिक्चर्स भी तो क्लिक करनी होती हैं, तो मैं एंड पे अपना फाइनल लुक भी डालूंगी आई तो पिक्चर्स के मैं कैसी लग रही थी। जी तो हम सब जो बहन भाई है ना, वो एक पार्क है यहाँ पे छोटा सा, वहाँ आए हुए अपना फोटो शूट करने के लिए। ईद के दिन हम तैयार होते हैं और फिर तैयार होने के बाद हम अपना प्रॉपर एक फोटो शूट कराते हैं। तो मतलब ईद तो अच्छे से सेलिब्रेट करनी चाहिए ना, एक ही दिन आती है, अच्छे से तैयार होना चाहिए और फिर आपको अच्छे अच्छे अपनी पिक्चर्स लेनी चाहिए, और पिक्चर्स लेने के बाद आपको उसे अपलोड भी करना चाहिए। तो ये सब करने के लिए हम यहाँ आते हैं। अभी वो पीछे जो हैं भाई जो हैं वो हमारे फोटोज ले रहे हैं, हम सब बहनों की और भाइयों की भी। तो मैं थोड़ा सा आगे आ गई हूँ चलते हुए, मैं अपना फोटो शूट कंप्लीट करवा रही हूँ, जैसा मुझे चाहिए था बिल्कुल उन्होंने वैसा ही किया है। और वो हमेशा बहुत अच्छा करते हैं, वो जब भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। हमारे एक वो फैमिली फोटोग्राफर हैं और दूसरा वो मेरे अब्बू के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, तो एक फ़ोन कॉल पर बेचारे आ जाते हैं फ़ौरन। और यह थोड़ा सा पार्क का व्यू, और यहाँ मेरा भाई ना जबरदस्ती मेरी मॉडलिंग करा रहा था, चला मुझसे जा नहीं रहा था। और ये मेरे बाकी बहन भाइयों की और सबकी फोटोग्राफी चल रही है। डिनर टाइम, क्योंकि रात के टाइम ईद की रात को हम बाहर आ गए थे खाना खाने के लिए। जी तो उनका हो चुका है आज इख्तिताम, मतलब इसका फर्स्ट डे जो है वो खत्म हो चुका है, और हम इस टाइम बैठे हैं मैं डिनर करने के लिए। डिनर तो हो चुका है स्वीट डिश खाने के लिए, बैठे हुए आज। यही तक का था आज का ब्लॉग, हमारे इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।